बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेकर पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है। और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज उनके मुंह पर ये करारा तमाचा केंद्र सरकार ने दिया है और उनका हवा निकल गया है आज, और आज उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है जिस तरह से वो हल्ला कर रहे थे। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेकर पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है। और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है। गंगा नदी पर इतना पुल है, उसके बाद भी 2 नया पुल बिहार में कम्युनिकेशन बढ़े उसके लिए 2 नया गंगा पर पुल दिया गया है। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली की समस्या को दूर कर देगा वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए है क्या, मैं बताता हूँ, जिनके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है उनको तो बिना इंजेक्शन के कुछ होता नहीं है। तो विपक्ष के दिमाग में कीड़ा घुस गया है, उनको मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा का कुछ टेक्निकल पॉइंट है, विशेष राज्य के दर्जा से बहुत ज्यादा पैकेज मिला, ये अब उनको शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब वो क्या बोलेंगे, अब वो बोलेंगे जब कब तक आएगा, डेट बताइए, हाईवे का काम कब शुरू होगा। मतलब हुआ ना छिछला लेदर करना। विपक्ष का दुकानदारी बंद नहीं हो। देखिए होता क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में जाता है तो लगता है कि कहीं उसकी दुकानदारी बंद नहीं हो जाए, तो ये दुकानदारी चलाने का तरीका है राजनीतिज्ञों का, और कुछ भी नहीं है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद।